सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में नाउ यू हैव टू क्वेश्चंस एंड फर्स्ट क्वेश्चन अ क्यूबिकल बॉक्स हैव ईच एज मेरे हाथ से ईच एज 10 सेंटीमीटर नाउ एंड अनदर बॉक्स की डायमेंशन ये दिया है मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं देखो कभी भी हम एनी क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग आप बना दो मैंने बार बार कहा है देखो आप सबसे पहले क्या देखेंगे व्हाट इज गिवन सच दैट जिसको कहते हैं पहले आप हमेशा ये देखिए उसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वैसे तो वी हैव क्यों लिखो मैं आई हैव टू फाइंड आउट मुझे क्या करना है वी कोई चार मास्टर थोड़ा पढ़ रहे बोर्ड में ठीक है ना दिमाग तो मेरा ही खर्च हो रहा तुमने तो बैठ करके था इसके बाद रिक्वायर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग व्हाट वैल्यू फॉर विच वैल्यू ये कौन सा था तीन चीजें आपको पता हो अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्यूबिकल तो क्यूबिकल का मतलब स्क्वायर से बने हैं दो स्क्वायर से डेफिनेशन हमने पूरी लिखी ये क्यूबिकल हो ऐसा नहीं कि क्यूब को कल लेंगे तो क्यूबिकल हो गया ठीक है और उसके बाद दो रेक्टेंगल को मिला करके जो फिगर जनरेट होती है यह एक्स क्यूब बहुत सबसे पहले हमें दिमाग के अंदर ये सारी चीजें लानी फिगर प्रियर लेवल में आपका होना चाहिए फिगर अगर आपने क्लियर कर दिया सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा अब देखो इसी में अगर मुझे कोई बोले कि इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट में बाकी तो मैं सारा डिक्टेट वहां करूंगा देखो मैं कहूंगा 4a² कोई बोलेगा ये a होता क्या आई विल से कि मैंने इसको लोकेट किया है कि आप कहते बना ए लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी ए हो गया इज इट क्लियर नाउ अब अगर इसलिए ए का मतलब साइड है इसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं कहूंगा सक्सेस अगर कोई मुझे कहेगा वॉल्यूम क्या होता तो मैं क्या कहूंगा ठीक हो गया ऐसे ही जब हम इधर आएंगे आपका एल एस ए क्यूबॉइड का क्या होता आप क्या कहेंगे 2 × L + 3 × H शार उसके बाद अगर कोई मुझे कहेगा टी एस ए क्या होता है तो मैं कहूँ 2 LV + BH और प्लस एच एल मैं कहूँगा और समबडी विल आस्क यू वॉल्यूम क्या होता है तो क्यूबॉइड लेंथ दो इसके बाद जो मस्ट होती है वो लिटरल आपका लिटरल सरफेस एरिया एर अपर टोटल सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है या मीटर स्क्वायर में होती है आप समझ रहे हैं ये आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी है और वॉल्यूम चाहे वो किसी का भी हो वॉल्यूम का मतलब 3 dimensions और सरफेस एरिया का मतलब 2 dimensions 3 dimensions 2 dimensions तो आप कहते हैं इसके मतलब आइदर एक मस का मीनिंग सेंटीमीटर क्यूब या और मीटर क्यूब ये फ्रैक्शनल बार नहीं इसका मतलब और है आपने घर जाके कहा ये क्या कर दिया सर ने सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब नहीं या तो ये देखो सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब हो मीटर क्यूब हमारे दिमाग में जब ये सारी चीजें फिट आउट हो जाएंगी हमें सवाल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन हाउ द फिगर इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग या कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन इज इट क्लियर तो ना अब सॉल्यूशन अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज नेमिंग जरूर होने चाहिए आपके नाम के साथ 10 cm ये 10 cm देखिए ए इसी को आप लिख सकते हैं हाइट आपका देखो ए है इसका मतलब इंच एस ऑफ क्यूब तो ना ये ऐसे बोलो आपका ए ऐसे बोलो 10 cm फाइंड आउट
ये बोलता है विच हैज ए स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, विच हैज ए ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो अब ये हो गया आपका, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आप एक साथ निकालें या अलग अलग निकालें ये आपकी मर्जी है। जैसे दो फिगर एक साथ बना दिए उसके बाद दोनों का एक बार टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, एक बार आपका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिया, ठीक है। आप जैसे मर्जी आप करेंगे, तो देखो ना ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऐसे करो आपका 4a2, ठीक है जी। तो ना देखो 4 × 10 का स्क्वायर ऐसे करो, 4 × 10 का मतलब 100, ऐसे करो आपका देखो कितना हो गया बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कान पे मारूंगा लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, हाँ बस जिसने पढ़ा दिया जैसा वैसे। अब आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये जो आपका अब होता है 6a2, इसलिए गर्दन मत हिलाइए बिल्कुल नहीं आपका, तो 6 × 100 हो गया बेटा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का एक साथ निकाल। अब दूसरी फिगर में आ जाएगा प्लीज, इसमें भी नाम दे दीजिएगा वहां तक देखो GHIJKL भाई ABCDE ही है हमने वहां दे दिया, तो इसका भी एक साथ एक जैसा नाम क्यों दो, जो आपके जो डिनोशन है इसकी ये अलग अलग मार्किंग होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए बड़े ये जो एनदर बॉक्स है उसमें एनदर बॉक्स की डायमेंशन दी है, उसमें ये नहीं बोला है कि ये क्यूबॉइडल है, तो हमें दिमाग में ये रखना है कि यार ये देखो ये भी अलग है, दिस इज आल्सो दिस डिफरेंट, दिस तीन डायमेंशन किस में होती है क्यूबॉइड में होती है, ठीक है मेरे पुत्र। आपका देखो अब बेटे इसका देखो लेंथ इज इक्वल कितना बेटा 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है बेटे This is the 10 centimeter. And height कितनी है बेटे? 8. Okay, 8 बेटा. Okay. ठीक है मेरे बच्चा. कोई दिक्कत है तो बताइएगा please. नहीं. पक्का. Okay. अब इसमें क्या करेंगे बेटे? Curved surface area को ही lateral surface area कहेंगे. मैंने यहाँ खाली lateral लिखा, उसका मतलब ही कर दिया. ठीक है? Now ये off क्या बेटे? क्यूबॉइडल बॉक्स, ये इस पर आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 × L + B × H, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है पेरीमीटर ऑफ फोर वॉल इनटू हाइट वॉल, रेक्टेंगल के हिसाब से हम लेते हैं, रेक्टेंगल जब हम लेंगे तो रेक्टेंगल में 2 × L + B हो गए पेरीमीटर, और पेरीमीटर में अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। नंबर 2 × L कितनी है मेरे पास बच्चे 12.5 और प्लस ब्रेथ कितनी है बेटे 10 और इनटू हाइट कितना बचा 8 2 जहां पे देखो 16 और यहां पर 22.5 को 16 से मल्टीप्लाई करो जल्दी करो यार, हम जल्दी करो अरे 16 फाइजा 80 कर दो 16 फाइजा 80 कैरी ओवर 8 16 टू जा 32 32 एंड 8 44 16 टू जा 32 और 4 36 बेटे इतनी डर किस बात के थे बेटे, तो यहां 360.0 है आपका एक केस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया ये बी फिगर ये ए फिगर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ये ऐसे करो 2 × LB
प्लस पीएच और प्लस एचएल। एलबी, एलबी का मतलब 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। ए देखो एल बी आपके देख रहे, देख रहे बी एच एच 12.5 से 10 को मल्टीप्लाई किया 125.0 है, तो डेसिमल के बाद कैसे होगा 100 कर दीजिएगा, देखो 225 आ गया, बिल्कुल ये 80 ये 5 हो गया, 8 2 10 300, बिल्कुल चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। 25 10 610 सेंटीमीटर। कई टीचर्स इसको बताएंगे या कई चैनल में आप इसको देखेंगे, इसके इसके लेटर दोनों फिगर साथ साथ बनाई होंगी, इसमें से पहले इसका लेटरल सरफेस निकाला होगा, फिर इसका लेटरल सरफेस निकाला होगा, या पहले इसका टोटल सरफेस निकाला होगा इसका। हमने क्या किया, एक फिगर बनाई, एक फिगर से लेटरल सरफेस और इसका टोटल सरफेस निकाल दिया, दूसरी फिगर हमने जनरेट की, दूसरी फिगर से हमने, ठीक हो गया मेरे पुत्री। अब ये लो, व्हिच हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, अगर इस वन व्हिच आपको निकाला, व्हिच हैज अ टोटल सरफेस एरिया एंड By how much? ठीक है मेरी पुत्री, तो देखो अब क्या है बेटा, उसका देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स वो कितना है बेटा, टोटल सरफेस क्यूबिकल बॉक्स का 600 सेंटीमीटर का, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना है मेरा बेटा आपका 600। तो विच वन इज ग्रेटर, क्यूबिकल बॉक्स तो ना, क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर या स्मॉलर है, तो ग्रेटर आपका नाम टोटल सरफेस एरिया और क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंस जो आया देखो, डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, इसे करो 610 माइनस कितना था बड़ा 610, इसे करो 10 सेंटीमीटर, इसका कितने का फर्क है देख लीजिएगा, हाउ मच 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का फर्क है। इसके बाद देखो व्हिच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, नो ग्रेटर ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, देखो बेटे इसका कितना है 400 बेटे, इसका कितना 360 देखो, इसका ग्रेटर सरफेस एरिया इज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स देखिए आपका कितना होगा, कितना बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्मॉलर लेटरल सरफेस एरिया इज ऑफ क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल बॉक्स ये इसको रखा कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड बाय हाउ मच, सुना दो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल माइनस स्मॉलर लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, तो ना ये इज इक्वल टू 400 माइनस 360 इज इक्वल 40 सेंटीमीटर, तो यानी कि क्यूबिकल का जो होगा ये क्यूबिकल बॉक्स हैज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन क्यूबॉइडल बॉक्स,
क्लियर हो गया? आर यू श्योर? अब मैं यहां इसको मिटा देता हूं। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर टू, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब एक्वेरियम आपका होता है या हर्बेरियम आपका, हर्बेरियम कहिए, एक्वेरियम नहीं, हर्बेरियम कहिए आपका। तो देखो पी क्यू आर एस टी यू बना देते हैं, अलग अलग नाम होने चाहिए। इसमें वर्टिकली ऑफ ग्लास पैंस आपका नाम इंक्लूडिंग बेस, इसकी डायमेंशन देखिए आपका लेंथ इज इक्वल आपका 30 सेंटीमीटर है, ये ब्रेथ इज इक्वल आपका ना देखो 25 सेंटीमीटर है, और ये हाइट इज इक्वल आपका देखो इट इज आल्सो 25 सेंटीमीटर। आप फिर इसको देखो, ये बॉक्स को देखिए, या बॉक्स आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला हुक को देखिए, ये आपका देखिए, ये लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर है, ये देखो ये ब्रेथ आपकी 25 सेंटीमीटर, और ये हाइट इसकी 25 सेंटीमीटर। इज इट ओके? अब देखो इसमें क्या चीज लिखी है, हाउ मच एरिया इज ऑफ ग्लास, ग्लास का कितना होगा। तो ना आप ग्लास को ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, चारों तरफ से देख रहे हैं, तो चारों तरफ से देखने का मतलब टोटल सरफेस एरिया। पहली चीज तो क्या गिवन है, ये हमने देखना है, क्या निकालना है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल। आपकी किताबों में कहीं लिखा होगा ऑल 12 एजेस लिखा होगा, मैंने 12 एजेस हटा दिया, इसीलिए कि 12 एजेस आपको कैसे पता लगेगी, 1s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s आपका देख रहे हैं, आपका 1 2 3 4 याद है, 5 6 7 8 ऐसे आपके 12 एसेस होंगे, ठीक है ना, 4 4 8 और उसके बाद 4, क्योंकि कॉमन भी होगी ना कोई चीज, समझ रहे, यानी क्या नहीं वाला ये एक दो तीन चार, चार हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, क्लियर? तो ना ये ऐसे आपका ओके। तो अब आपका ये हमने डायमेंशंस इसकी देखो जो गिवन थी वो हमने यहाँ फिगर में बना दी, इज इट क्लियर? फाइन, गिवन हो गया, फिगर भी बन गया, सारी चीजें। इसके बाद टू फाइंड आउट, आपको यू हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स, हाउ मच एरिया इज ऑफ ग्लास, हाउ मच एरिया ऑफ ग्लास का मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास हो गया। तो ना इसका मतलब एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास का मतलब देखो टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे आप, क्योंकि चारों तरफ से आपने देखना है। उसके बाद क्या होता है, हाउ मच टेप इज नीडेड, इसका मतलब वो डिब्बा है या किताब है, ये देखो हाउ मच टेप इज नीडेड, एक लेंथ दो लेंथ तीन लेंथ चार लेंथ, ब्रेथ एक ब्रेथ दो ब्रेथ तीन ब्रेथ चार ब्रेथ, वन हाइट टू हाइट थ्री हाइट फोर हाइट, यानी कि फोर लेंथ फोर ब्रेथ फोर हाइट पे टेप लगानी है, तो आपका इसका मतलब 12 एसेस आपका हो गया। कहने का मतलब हाउ मच नीडेड, इसका मतलब 4L होंगी प्लस 4B होंगी और 4H होंगी आपका नाम, इनकी टोटल यानी कि लेंथ ऑफ टेप निकाल लीजिए। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, ये क्लियर हो गया, ये दो चीज। अब आप करना A में फिगर बना दी विद डायमेंशन, देखो फाइंड आउट हमने क्या करना है और रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, ये आपका सी पॉइंट। तो ना हाउ मच एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ
Now, herbarium या indoor greenhouse. Is equal to 2 into length breast plus breath height or plus height. So is equal to 2 into meter 30 into 25 plus 25 into 25 plus 25 into 30. L, B, B, H, H, L. Now 2. 750 plus 625 plus 750. Jaldi se add karo. 750 और 625 जल्दी करो पुत्री. वैसे 7 और 7 14 7 यानी 21, तो वैसे ही हो रहा है आपका. देखो 21 2125 हो रहा है. 2 5 13 2 2 4 5 2 1 2. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले ग्लास पे या ग्रीन हाउस का एरिया होगा जो आपको निकालना है. 4 2 5 0. Is that clear? Now, the first part हमने निकाल लिया. This is the first part. अब आप देखो, how much tape is needed? ये देखो, मैंने बिल्कुल clear किया है. तो मत आप, ये जो आप लगा रहे, तो require length of tape is equal to 4 length plus 4 breadth प्लस 4 है. तो ना 4 आपका ले लीजिएगा, एल प्लस बी प्लस एच होगा. तो 4 30 प्लस 25 प्लस 25 बना इनटू 80 ऐसे करो. 320 सेंटीमीटर लंबी टेप लगेगी. तो ना द लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड फॉर इंडोर ग्लास हाउस, ये आपका नाम इक्वल टू 320 सेंटीमीटर. ये आपका हो गया. इज दैट क्लियर? दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. प्लीज डू इट.